guys, do not forget to subscribe and press the bell icon so that you don't miss any updates from Mayankkeshufilms. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मयंक केशव फिल्म्स। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड मोस्टली लोग अभी घर में हैं, सब लोगों का मन हो रहा होगा कि बाहर जाएं, मस्ती करें, घूमें फिरें, यहाँ पे कोई ये खाएं वो खाएं। छोटे बच्चे जो हैं सोचते हैं बाहर जाके खेलना चाहिए, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से सब लोग अपने घर में पड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पीपीटीज बना रहे हैं घर से, क्लासेस ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। सबका मन हो रहा होगा कि लॉकडाउन खत्म हुआ एंड वो लोग बाहर जाके जो है काफी एंजॉय करें, ये चीजें करें वो चीजें करें। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोस्तों से पूछूं कि ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जो लॉकडाउन के बाद वो लोग करना चाहते हैं, जो हमारी वीडियो में काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा। सो मैंने वो लेके ये जस्ट वीडियो बनाई है कि व्हाट आर द फाइव थिंग्स यू वांट टू डू आफ्टर दिस लॉकडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों से कि बच्चे क्या करना चाहते हैं इस लॉकडाउन के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, Hope you are fine. My name is Drishya Bidhudi. Five things I will do after lockdown are: first, I will go to my cricket academy and will play cricket. Second, I will meet my friends. Third, I will go on a car ride with my brother. Fourth, I will go and meet my nani. I will eat all the street food I missed. Thank you guys. Bye bye. Lockdown ke baad sabse pehle main school jaungi, apne friends se milungi. मॉल नानी के घर जाऊंगी, मॉल जाऊंगी, नंदन वन जाऊंगी। बाय मैम। फाइव थिंग्स आई वांट टू डू आफ्टर लॉक। फर्स्ट, आई वुड लाइक टू गो टू माय टू सेलेक्ट सिटी मॉल। सेकंड, आई विल गो एंड मीट माय फ्रेंड्स। थर्ड, आई वांट टू गो टू माय डांस क्लास। फोर्थ, आई वांट टू गो अ फुटबॉल वॉच विद माय मम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल गो टू हेयर कटिंग। So, दोस्तों ये पांच चीजें जो है बच्चे करना चाह रहे हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद। अब देखते हैं जो हमारे ग्रुप में लड़कियां हैं वो लोग क्या करना चाहती हैं इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद। तो चलिए देखते हैं। लॉकडाउन जब खत्म होगा सबसे पहले तो मैं जिम जाऊंगी, और सेकंड डाइट पे आऊंगी प्रॉपर, और थर्ड जो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही बाहर जाके टिकटॉक की, वो वीडियोस बनाऊंगी। फोर्थ, शॉपिंग करने जाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम से घर बैठे बैठे बोर हो गई, कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाऊंगी। और फिफ्थ, अपने फ्रेंड्स से मिलूंगी, फ्रेंड्स के घर जाऊंगी, बस यही सब करूंगी। हाय गाइस, सो द फर्स्ट थिंग आई विल डू आफ्टर दिस लॉकडाउन विल बी ओवर इज रोमिंग ऑन स्ट्रीट। आई सीरियसली मिस दैट, फ्रीली रोमिंग ऑन स्ट्रीट। सेकंड थिंग इज आई विल हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, आई मिस देम, इट्स बीन लॉन्ग, आई हैवंट मेट देम। थर्ड थिंग इज आई विल ईट लॉट ऑफ जंक फूड, इट्स बीन लॉन्ग, आई हैवंट ईटन पिज्जा एंड ऑल, दैट्स माय फेवरेट। Next is, and very important thing is, I'll go to beauty parlor. I really need that. You can see that over my face, so I'll go visit that for sure. And last thing I'll do is I'll take a break from this phone and Netflix and Amazon Prime. I'm done with it. I just don't want to see this phone anymore. And apart from doing all those things, I'll do one thing which is very essential, and I'll suggest you all to do that, is to keep on following social distancing along with sanitizing yourself or washing your hands, because still antidote is not there. So till the time you are not totally safe from this virus, please keep on following all those things, social distancing or washing your hands or sanitizing yourself. Thank you. Hello friends, lockdown khatam hone ke baad first main apni friends se milungi, second main momos khaungi, third main walk pe jaungi, fourth main shopping pe jaungi, fifth main apni family ke sath long drive pe jaungi. Thank you. To panch cheeze जो मैं लॉकडाउन के बाद करना चाहूँगी। पहली चीज़, मैं एक लंबी हाइकिंग पे जाना चाहूँगी। दूसरी चीज़, मैं टेनिस खेलूँगी। मैं टेनिस काफ़ी खेलती हूँ जो कि इस टाइम पे बिल्कुल बंद है। तीसरी चीज़, मैं बहुत सारा खाना खाऊँगी। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता, इसलिए लॉकडाउन के बाद मुझे बहुत सारा नॉनवेज खाना है। चौथी चीज़, मुझे एक बीच लोकेशन पे जाना है, कुछ नहीं करना, वहाँ जाके बस बैठना है। और पांचवी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, घर में घुसना ही नहीं है। मतलब दो महीने अब घर के अंदर, तो दो महीने अब घर के बाहर लॉकडाउन होगा। तो ये सब चीज़ें मैं करना चाहूँगी नहीं, करूँगी। बाय बाय। अच्छा, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद लड़कियों के ये प्लान्स हैं। चलिए अब जानते हैं लड़कों से, विकास सर, जावेद सर और भी जो लड़के हमारे ग्रुप में, उन लोगों से कि उनका क्या प्लान है लॉकडाउन खत्म होने के बाद।
Guys, I hope you all are doing good. So I'm telling you, what can I do after this lockdown? Firstly, I go for saloon because my hair is very messy. And secondly, I go for outing with my friends because nowadays I'm very getting bored. And I love shopping, so I will go for shopping after this lockdown. And I'm very foodie, so I can't wait to eat street food. And you know, I'm making a TikTok videos, and I will go out and make a TikTok videos. Thank you so much. So guys, lockdown khatam hone ke baad jo main pehle paanch kaam karunga, sabse pehla kaam to main theater society se hu. तो बेसिकली थिएटर करे हुए बहुत टाइम हो गया है और इसके बारे में डिस्कशन करे हुए टीम के साथ बहुत टाइम हो गया है. तो सबसे पहले तो वो करूँगा, फिर उसके बाद कॉलेज के जितने भी दोस्त यार हैं उनके साथ कैंटीन पे बैठे हुए बहुत टाइम हो गया, तो कैंटीन पे बैठूँगा. और क्लास के टीचर्स से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, और दोस्तों के साथ घूमे हुए भी बहुत टाइम हो गया है. और अगर पाँचवीं चीज़ की बात करूँ तो मैं सबसे पहले यार बाहर बटर चिकन खाने जाऊँगा, क्योंकि बहुत दिनों से बटर चिकन नहीं खाया यार. हेलो गाइस, कैसे आप लोग? ठीक है. मेरा दोस्त है, मैं उसने पाँच चीज़ें करने के लिए बोला है कि आफ्टर लॉकडाउन आप क्या करना चाहेंगे. सर सर, मैं जिम करूँगा, क्योंकि जिम बहुत ही मिस कर रहा हूँ मैं, और अपने दोस्त मयंक को मिस कर रहा हूँ. सर, फिल्म बनाने मूवी बहुत ज़्यादा मिस करता है, डायरेक्टर है हमारे. और थर्ड, अपने रिलेटिव्स को मिस कर रहा हूँ. और तीसरा माइक, क्योंकि उसके साथ शूट वूट करने में मज़ा आते हैं, तो ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. बस देखते जल्दी हटे, फिर मिलते हैं. और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे. इस लॉकडाउन में पांच ऐसी चीज़ जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और लॉकडाउन ख़त्म होने पर मैं वो करूँगा. सबसे पहली चीज़ है माई जॉब, माई फर्स्ट प्रायोरिटी. मैं जॉब पे जाऊँगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में ऑब्वियसली कोई जा नहीं पा रहा है, इसके बाद ही जॉब पे जाएंगे सब लोग, तो मैं जॉब पे जाऊँगा. सेकंड प्रायोरिटी माई फैमिली, जी मैं अपनी फैमिली का हेल्थ चेकअप कराना चाहूँगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशान थे, तो वो मैं डॉक्टर्स के पास जाकर वो सारी चीज़ें हेल्थ चेकअप कराऊँगा. थर्ड प्रायोरिटी मेरे जो नियरेस्ट और मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे जाके मिलूँगा, उनको इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या परेशानियाँ हुई और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, उसके बारे में उनसे डिस्कस करूँगा. फोर्थ प्रायोरिटी मैं अपनी मस्जिद में जाकर अपने गॉड से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से दुआ करूँगा कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मुझे इस कोरोना जैसी वायरस बीमारी से मुझे, मेरे परिवार को और हमारे हिंदुस्तान को बचा के रखा. उम्मीद से शुक्र अदा करूँगा कि आपने इस लॉकडाउन के दौरान हमें सेफ रखा. फिफ्थ प्रायोरिटी, जो पांचवी मेरी चीज़ होगी, वो ये होगी कि लॉकडाउन को मैं बहुत मिस करूँगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो एक जो इस फास्ट लाइफ में जो लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, इस लॉकडाउन ने वो चीज़ करा दी कि सब लोग आपस में परिवार एक साथ मिलकर रहें, एक साथ उठा बैठा खाना पीना, यहाँ तक कि जो घरेलू गेम्स होते थे लाइक लूडो कैरम बोर्ड और जैसी एक्टिविटीज़ होती थी वो सब लोगों ने मिल के करी, जो पॉसिबल नहीं था, आम दिनों में पॉसिबल नहीं था, इस लॉकडाउन में ही पॉसिबल हो पाया. तो मैं ये चीज़ बहुत मिस करूँगा, ये जो दिन बीते. तो मैं, ये मेरी जो लास्ट चीज़ थी, मैं लॉकडाउन की बहुत मिस. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, मैं लॉकडाउन में भी ऑफिस के काम से मैं बाहर निकल ही रहा हूँ, जो मेरा कार के पास बना हुआ है. और बट कुछ भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ. जैसे फर्स्ट मैं गाड़ी सर्विसिंग करवाऊँगा, सेकेंड शॉपिंग करना है कपू की, बच्चों की, वाइफ की, और थर्ड सी फूड माई फेवरेट, फोर्थ बाल कटिंग, बाल नहीं करवा पा रहा हूँ, एंड फाइव दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूँ, कुछ दोस्तों से मिलना जरूरी है. थैंक्स गाइस.
हाय गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सब घर में लॉकडाउन है और हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो। आफ्टर द लॉकडाउन मैं सबसे पहले सैलून जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। सेकेंड वन मैं अपना फेवरेट फास्ट फूड खाना चाहूँगा। थर्ड वन मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से अपने दोस्तों से नहीं मिला हूँ। फोर्थ वन इज़ मैं अपनी शॉपिंग पे जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली के साथ एक लंबे ट्रिप पे भी जाना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। लॉकडाउन ख़त्म होते ही सबसे पहले मैं बाहर जाऊँगा, घूमूंगा और चारों तरफ पहले एक चक्कर लगा के आ जाऊँगा। दूसरी चीज़, बहुत दिनों से मैंने चिली पटेटो नहीं खाया है, मोमोज पनीर मोमोज नहीं खाए हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर खा के आऊँगा। तीसरी चीज़, बहुत दिन हो गए दोस्तों से मिले हुए, तो दोस्तों से भी एक बार ज़रूर मिलूँगा और खूब घूमूंगा और खूब बातें करूँगा। और चौथी चीज़, जो मेरा टिकट कैंसिल हो गया था गांव जाने के लिए, फिर से टिकट कराऊंगा और गांव जाऊंगा और गांव में सबसे मिलूंगा और खुली हवा में सांस लूंगा। बस इतना ही। सो दोस्तों, ये थी 5 चीज़ें जो हमारी टीम के मेंबर्स करना चाहते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद। एंड अब मैं बताता हूँ कि मेरे क्या प्लान्स हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फर्स्ट चीज़ जो है मैं करूँगा कि भाई पहले घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़ जो होगी वो होगी वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, आप लोग प्यारी प्यारी वीडियोस देंगे बना बना के। थर्ड चीज़ जो होगी वो होगी बाहर जाके दोस्तों खाना। फोर्थ चीज़ जो होगी वो होगी ऑफिस ज्वाइन करना, बिकॉज ऑफिस की छुट्टी चल रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। एंड लास्ट चीज़ जो होगी वो होगी अपनी बाइक की सर्विसिंग कराना, बिकॉज सर्विसिंग नहीं कराऊंगा घूमूंगा कैसे, बिकॉज घूमना तो बाइक पे ही है ना दोस्तों। तो ये है वो 5 चीज़ें जो मैं करूंगा इस लॉकडाउन के बाद। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के कैसे कौन से 5 प्लान हैं जो आप लोग करना चाहेंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद। प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए और वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज काफ़ी मुश्किल से मैंने सेटिंग करी है छत के ऊपर एंड मेरा फोन भी जैसा भी गिर गया। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। सो बाय।